दोस्तों मैं नाम उसमें कटारिया। तो भाई आज हमारे साथ मारुति डिजायर का VXI CNG वेरिएंट। अब VXI जो वेरिएंट है ना, चाहे आप पेट्रोल हो या CNG लो, आपको भाई अच्छे खासे फीचर्स के साथ में आता है। और ऐसा नहीं कि भाई डिजायर के साथ में आता है, भाई अगर आप ब्रीजर लेते हो ना, वहाँ भी भाई वो वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। तो भाई एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मारुति के जो VXI वेरिएंट रहते हैं ना, वो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे जरूरत के फीचर्स मिल जाते हैं। भाई शुरुआत कर लेते हैं इस वेरिएंट से। तो ये VXI CNG वेरिएंट है, प्राइस रहने वाला है 8,39,000 एक्स शोरूम। मैं हूँ फिलहाल TR सानी मेरठ के अंदर। तो बेस्ट प्राइस के आप ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डीलरशिप का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे नंबर हाईलाइट हो रहा होगा। और आपको भाई ब्रीजर लेनी है, आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी, एक्सेसरी लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, तो ये भी आपको भाई मिल जाएगी। तो ये दोनों गाड़ी आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी के अंदर भी कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं जो कि मैं आगे आपको दिखा दूंगा, जैसे कि अलॉय व्हील्स, साइड मोल्डिंग्स लगी हुई हैं, और अपना जो है रेन वाइजर्स टाइप ये चीज़ें लगी हुई है, सीट कवर्स भी लगे हुए हैं, वो चीज़ जो मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगा। तो भाई अच्छे खासे भाई इसके अंदर फीचर प्लस एक्सेसरी के लगने के बाद तो भाई पूरा टॉप मॉडल वाला आपको ये फील देने वाली है। बाकी माइलेज आपको पता है क्या रहने वाला है। तो भाई इस गाड़ी के फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। अब रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भाई आफ्टर मार्केट काम करा लेना तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लग जाएंगे। बाकी ये बम्पर गार्ड लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर जो कि एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, एक्सेसरी तौर पर आप लगवा सकते हो। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी यहाँ भी आपको क्रोम मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक एलिगेंट लुक दे रहा है इस गाड़ी को। और मैट ब्लैक के अंदर आपको फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो प्रोफाइल है ना, अगर आप स्विफ्ट के देखोगे तो स्पोर्टीनेस है, और ये एक प्रीमियम के अंदर आ जाते हैं, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे लुक मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रोम का वर्क ज़्यादा किया गया है। बाकी डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो अच्छी खासी आपको डायमेंशन मिल जाती है, 1735 mm की विड्थ, और व्हील बेस की बात करूँ 2450 mm का, जिसकी वजह से भाई अच्छा खासा आपको रियर सीट पर कम्फर्ट मिल जाता है। अब सेडान की एक खास बात है, वो क्या कि भाई इन गाड़ियों का ना कंफर्ट, चाहे भाई ये हो, चाहे भाई हैचबैक हो, भाई चाहे अर्टिका टाइप गाड़ी हो, आपको कंफर्ट ना सबसे बेहतर इन्हीं गाड़ी के अंदर मिलता है। पर थोड़ी सी मारी ये गाड़ी यहाँ से खा जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता। बाकी भाई यहाँ के साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको भाई अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर लगाए गए, एक्सेसरी तौर पर 14 इंच का अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। 45,000 रुपये की इस गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लग रही है, इंक्लूड अलॉय व्हील्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पे 45,000 के अंदर लगाया गया है। 165/80R14 का आपको यहाँ पे साइज मिल जाता है। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको वॉइस मिल जाते हैं, बाकी इंडिकेटर आपको यहाँ मिलता है। ए पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर, बी पिलर ब्लैकआउट, और सी पिलर भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी डोर हैंडल आपको दोनों ही अपने चारों ही मतलब बॉडी के अंदर नहीं रहने वाले। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया इस गाड़ी के अंदर, जो कि सेडान के हिसाब से ठीक ठाक आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी रियर लुक की तरफ आते हैं तो रियर लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। अब डिज़ायर ना अपने सेगमेंट में क्या भाई, और सेगमेंट की जो गाड़ी आ रही है ना उनसे भी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि भाई टॉप 10 सेलिंग कार के अंदर ये हमेशा से रहती है। अब भाई सेडान का मार्केट ना ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि भाई ये गाड़ियाँ ना मतलब इनका मार्केट खा रही हैं, बट इस गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अच्छे खासे नंबरों में बिक रही है। हर मतलब 14-15 हज़ार यूनिट तो इस गाड़ी की आराम से जो है बिकी जाती है। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ काफ़ी गलत मिलती है, वो है ये। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे आपको भाई CNG का जो फिलिंग वॉल है आपको यहाँ दे रखा है। अब कंपनी वालों भाई कोई खींच ले गाड़ी बंद हो जाएगी, क्या है मतलब इसे अंदर दे दो, क्या पता भाई फेसलिफ्ट के बाद ये अंदर कर दें, बट ये चीज़ ना आपको अच्छी नहीं मिलती। बाकी 55 लीटर का आपको यहाँ पर CNG का टैंक मिल जाता है, और पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 37 लीटर की आपको पेट्रोल कैपेसिटी मिल जाती है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस ये मिलता है। अब यार मारुति गाड़ी के अंदर ना भाई 2 बार अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है, तो ये खल गया इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। 55 लीटर का CNG का टैंक होने के बावजूद आप भाई अपने 2-3 बैग आराम से रख सकते हो, वो भी बड़े वाले, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ भी आपको जो सामान यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर आपको भाई कोई भी ट्रिम नहीं मिलती, जिसकी वजह से भाई सारा का सारा पार्ट एक्सपोज है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करके इसे बंद करना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आपको मिल जाती है, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया गया। अगर आप इस गाड़ी का पेट्रोल वेरियंट लेते हैं तो वहाँ आपको भाई 378 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नॉर्मली आपको कहीं ना कहीं आपको अप्रॉक्स 170-200 बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया, तो भाई अच्छा खासा यहाँ भी आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो बात रही इसके CNG के बारे में और बूट स्पेस के बारे में। अब जो इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में बात कर लेते हैं, तो रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, डोर टोन आपको ट्रिम मिल जाती है। बाकी यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट, डोर हैंडल पर लॉक अनलॉक, 8 लीटर वाटर स्पेस, स्पीकर ग्रिल, 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं।
बाकी ये सारा सामान रखा हुआ है। अब इस गाड़ी के अंदर स्टेडियम से आते हैं 14 इंच के, वो ये रखे हुए हैं, अलावा इस गाड़ी के अंदर लग गए तो भाई मैं आपको बैठ के नहीं दिखा सकता। बाकी रियर एस भी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का आउटपुट आपको मिलता है, डोल्टोन आपको ट्रिम मिल जाती है, बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट से लेकर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई कंफर्ट का पूरा ध्यान दिया गया है यहाँ पे, और फ्रंट सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बाकी ये जो आप सीट देख रहे हैं यहाँ पे आपको भाई सीट कवर्स भी लगाए गए इस गाड़ी के अंदर, जो कि बेज कलर के अंदर है। बेज कलर की ट्रिम ना इस गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने वाला नहीं है इस गाड़ी के अंदर, ये चीज़ तो भाई इस गाड़ी के अंदर है। बाकी रेन वाइजेस इस गाड़ी के अंदर लग रहे हैं। फ्रंट डोर की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, डोल्टोन ट्रिम मिल जाती है, सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है आगे पीछे आपको नहीं मिलता, चार पावर कंट्रोल्स आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिक एडजस्ट है, फोल्डेबल्स आपको मिरर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, और चार पावर कंट्रोल्स तो मैंने आपको बता दिया, और ड्राइव साइड ऑटो डाउन रहने वाला है। बाकी क्रोम डोर हैंडल लॉक अनलॉक एली बॉड स्पेस स्पीयर ग्रिल चार स्पीयर आपको दे रखे हैं, ESP आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया सेडान के अंदर नहीं मिलता बट इसके अंदर आता है। बाकी CNG टू पेट्रोल यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं, बूट ओपन का और भाई यहाँ पे फ्यूल लीड का ये सब कुछ यहाँ पे बटन दे रखा है। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको मिल जाती है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो वेरिएंट है ना आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिलने वाला है, क्योंकि ज़रूरत के फीचर्स प्लस आपको CNG के अंदर मिल जाती है। तो भाई सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग वेरिएंट ये इस गाड़ी का रहने वाला है। ठीक है, अंदर बैठते हैं तो भाई अंदर क्या सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है, तो ये आप ये देख सकते हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको भाई एक्स तौर पे मिलने वाला है, वैसे नहीं मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग और कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, कॉल रिसीव कट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स इसके अंदर नहीं आते। बाकी स्टीयरिंग व्हील टिल्ट मिल रहा है, टिल्ट ही मिल रहा है, हाँ टेलीस्कोपिक आपको नहीं दे रखा है। और अगर मैं इस गाड़ी के क्लस्टर की बात करूँ तो उससे पहले की तो आपको दिखा दूँ कि आपको मिलती है, ये वही आपको मारुति की पुरानी की मिलती है भाई, मारुति वालों से चेंज कर दो प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट चेंज कर दो उसे। आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली दो की मिल जाती है, क्लस्टर इसका ऑन करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा क्लस्टर दिया गया है, मतलब पर्सनली मेरे को काफ़ी पसंद आया इसका क्लस्टर। यहाँ पे RPM मीटर, बीच में MID, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी ट्रिप एट ट्रिप भी आप जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं भाई, ये दे रखा है। ठीक है, बाकी CNG कितनी है, पेट्रोल कितने है, तो यहाँ पे आपको ये डिजिटल फॉर्म में गेज दिया गया है, वार्निंग लाइट्स आपको ऊपर मिल जाती है। तो ये तो इसका क्लस्टर है। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको सेमी टच म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो कि चार स्पीकर के साथ में आता है, और यहाँ पे सेट एंड सिल्वर दे रखा है AC वेंट्स पे, यहाँ पे वुडन फिनिशिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है, ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता, मैनुअल दे रखा है, 12 वोल्ट का आउटपुट, USB पोर्ट, यहाँ पे स्पेस, दो कोबोल्ट की स्पेस, सेट एंड सिल्वर, 5 गियरबॉक्स, यहाँ पे स्पेस, और ये AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं पीछे, और 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलता है। बाकी सीट की मैं बात करूँ अच्छी खासी आपको सीट मिल जाती है, ग्लव बॉक्स डिसेबल माउंट का मिलने वाला है, कोटा 70 मिनट की बात करें आपको दिया गया है। बाकी आयर आपको डे नाइट मिल जाता है, और ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको भाई लैंप दे रखा है, डैश साइड आपको जो है 20 मिनट नहीं मिलता, आपको टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी भाई ये तो बात रही ऑल ओवर गाड़ी की, इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में, डैशबोर्ड के बारे में बात करूँ तो भाई डोल्टोन आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, वुडन फिनिशिंग आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिल जाता है। अब जो इस गाड़ी के भाई वारंटी के बारे में बात करता हूँ, सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, तो भाई वारंटी इसके अंदर मिलते 2 साल 40,000 किलोमीटर की, और सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो ABS, EBD, ESP, डुअल एयरबैग इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आते हैं बेस वेरिएंट से ही। बाकी जो आप इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, आपको जो है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि भाई मारुति की तरफ से आने वाला ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। अब भाई इस इंजन का ना हर कोई दीवाना है, क्योंकि भाई रिफाइनमेंट लेवल आपको एक नंबर मिलती है, और माइलेज अगर मैं भाई पावर की बात करूँ सबसे पहले तो भाई CNG के अंदर 76 BHP पावर प्रोड्यूस करता है, 98 Nm का टॉर्क, और मैं माइलेज की मैं बात करूँ तो भाई एक बाइक जैसा ये माइलेज देता है, 31 प्लस आपको जो है माइलेज मिल जाएगा, मतलब 31 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और भाई अगर आप चाहो तो बस ज़्यादा भी निकाल सकते हो तो समवेयर अबाउट आपको जो 31 किलोमीटर पर KG का आपको माइलेज मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल के अंदर चलाते हैं तो वहाँ आपको ये गाड़ी 88 BHP पावर प्रोड्यूस करती है, 113 Nm का टॉर्क, और वहाँ आपको पेट्रोल के अंदर माइलेज मिलेगा 12 से 13 सिटी के अंदर, हाईवे आपको जो 19 से 20 आराम से मिल जाएगा। तो भाई इस गाड़ी को हम माइलेज मशीन कह सकते हैं, और इसलिए भाई एक तरीके से मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए ये गाड़ी टैक्सी में भी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि भाई 31 का माइलेज 31 कंपनी क्लेम कर रही है। अब CNG के अंदर आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। बाकी EBS यूनिट यहाँ, और CNG का सिस्टम आपको यहाँ, बैटरी यहाँ, और बाकी 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, यहाँ पे ECU दे रखा है इसका CNG का, बाकी नीचे आपको इंजन गार्ड भी मिल जाता है, तो यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन भी आपको दी गई है। तो ये थी आपकी
ऑल न्यू डिजायर VXI CNG वेरिएंट। कमेंट में जरूर बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।